गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्त जम्बु फल चारुह क्षणम उमाशुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, चर्चा करते हैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि होती है, जिसको हम लोग सकट चौथ या संकष्टी चौथ के नाम से जानते हैं। इस दिन भगवान गणेश का पूजन और भगवान गणेश को सायंकालीन अर्घ दिया जाता है। माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना के लिए इस भगवान गणेश के व्रत को करती हैं। यह व्रत इस बार 31 जनवरी 2021 दिन रविवार को पड़ रहा है, क्योंकि इसमें सायंकालीन समय में अर्घ दिया जाता है चंद्रमा को देख करके। इसलिए इस दिन 31 जनवरी को ही इस व्रत को करना चाहिए। तो यह व्रत सकट चौथ के नाम से जाना जाता है। माघी जो माघ का महीना होता है, इसमें जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि होती है, इस दिन भगवान गणेश के व्रत को किया जाता है। सुबह से शाम तक इस व्रत को किया जाता है और इस व्रत में शकरकंदी, जो शकरकंद होती है, उसको खा करके माताएं व्रत को रखती हैं और व्रत को ही खोलती भी हैं। तो पूजा करते समय भगवान गणेश के मंत्र हैं जो ओम गं गणपते नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए और इसके साथ साथ भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाना चाहिए, जो कि इस दिन बहुत सी माताएं तिल और गुड़ मिला करके भगवान गणेश को भोग लगाती हैं। तिल और गुड़ का कहीं कहीं पर एक आकृति पर्वत इत्यादि बना करके उसकी पूजन किया जाता है और कहीं कहीं पर तिल और गुड़ का बकरा बना करके उसकी पूजा की जाती है। तो आप सभी के जीवन में भगवान गणेश की कृपा प्राप्त हो, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय माँ गंगे।